तुम्हारा भाई क्लैरिटी कैसी आ रही है? थोपड़ा सही हो रहा है नहीं हो रहा है? कमेंट करके बताना यार। है बच्चे मिल जाए आज। एक रूम में मैंने लगाया है 7 लाख तो लगी है, 7 या 8 लाख। मेरी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंडों के साथ जिसको आना हो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बिल बहुत मोटा वाला बन गया है भाई, क्या बताऊँ। मेरी जेब में उतने पैसे भी नहीं थे, सारे ले लिए, फोन पे करने पड़े मुझे। ये क्यों किया मेरे साथ ऐसा, पहले ये बताओ। सो जी वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एंड भाई अपन तो मस्त है बिल्कुल। हाय, एक बार इतने सारा दिखा दूं आपको। तुम्हारा भाई है अभी कुफरी में। एक्चुअली मैंने बताया था ना कि हमारी लॉन्ग ट्रिप बनने वाली है, तो अभी कुफरी पहुँचे हैं। अभी तो बाकी बहुत आगे जाना है, मनाली जाना है और भी कहीं जा सकते हैं। जहाँ भी है जाएंगे आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। सो भाई हम लेट नाइट पहुँचे थे और अभी तुम्हारे भाई की नींद भी नहीं उतरी है। नींद तो उतर गई यार, खैर 4-5 घंटे सोने को फिर भी मिल गया। और अभी हम एक होटल में रुके हैं। एंड आप उनको भी जानते हो जिनके होटल में हम रुके हैं लास्ट टाइम कुफरी आए थे, तो जिसने व्लॉग देखा होगा वो सब जानते हैं। चश्मा लगा लो यार, टशर नहीं लगे तुम्हारे भाई के। सो उनसे भी आपको मिलाएंगे भाई, बहुत अच्छे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। एंड भाई मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है और मैं पता है यार कितना बड़ा पागल हूँ। जल्दी जल्दी पे यार, गलती मेरी नहीं है, रात 9 बजे निकले थे, वो भी जल्दी जल्दी में लेट हो गया था। एक्चुअली बाइक की सर्विस करवाने गया था, लास्ट ब्लॉग में हमने देखा होगा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यार। और लेट इतना हुआ कि 9 बज गए मेरे को। और जो दो बंदे हमारे साथ है वो अभी अंदर दिखाऊंगा आपको। एंड भाई उनको मैंने ना रोड पे खड़ा करके रखा एक घंटा, भाई आ गया 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, वही जो गालियां उन्होंने मेरे को सुनाई। बट फाइनली हम 9 बजे रात को निकल गए। तुम्हारा भाई बहुत बड़ा जिद्दी है, कुफरी पहुंच गया, कुफरी पहुंच के आराम आराम किया और इसलिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया। वरना मैं कल से व्लॉग स्टार्ट करता अपने घर से। मैंने कहा टाइम वाइम नहीं, और रात को फिर क्लैरिटी अच्छी नहीं आती यार। अभी तुम्हारा भाई क्लैरिटी कैसी आ रही है? थोपड़ा सही हो रहा है नहीं हो रहा है? कमेंट करके बताना यार। है बच्चे मिल जाए आज तो कोई नहीं गाइस, देखेंगे। बाकी पहले तो जब हम नारकंड आए थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है यार अभी तो भाई साहब। बट हाँ भाई बहुत प्यारी चल रही है भाई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कोई भी अगर घूमने आए तो गर्म कपड़े ले गया ना, मैं गर्म कपड़े कुछ भी नहीं ले गया और मेरे को यहीं से ही देखना पड़ेगा कुछ। बाकी तुम्हारा भाई रेडी शेडी हो गया है नहा के, तुम्हारे भाई ने मैंने कहा यार नहा के स्टार्ट करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है और 10:30 के करीब हो रहे हैं, फिर हम निकल रहे हैं आगे। देखते हैं जहाँ भी जाएंगे अब कुछ व्लॉग में मिलता रहेगा। एंड एक बार आपको रूम दिखा दो अपना यार, चस्सी अलग है यार। एक चीज़ और देखो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तुम बिना चैनल को सब्सक्राइब के वीडियो देखते हो यार, क्या बात है तुम्हारी यार। ये बुरा नहीं लगता यार, मेरे दिल को इतना बुरा लगता है यार, टूट जाता है यार दिल यार। कर दिया करो यार, कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे यार, यार कर दिया करो यार, ऐसा मत किया करो यार। सब्सक्राइब कर देना यार और घंटा बजा देना यार प्लीज़। एंड आपको अपना रूम दिखाता हूँ, सब मैक्सी रूम लिया हमने, बिल्कुल सब मैक्सी रूम है यार। बच्चे के साथ आओ, कुछ नहीं यार छोड़ो, अभी रूम देख लो पहले। और अपने दो बंदर पता नहीं क्या, ओहो क्या हाल है भाई? भाई नाम क्या है आपका? मैं जानता नहीं यार आपको। मोहम्मद नावेद नाम है मेरा। मोहम्मद नावेद भाई इसका नाम है और इसको आप जानते ही हो भाई, आरिफ को लास्ट टाइम नारकंडा गया था। ये अपना ड्रायर वरायर और ये तुम्हारा भाई। यो कैसा लग रहा है? समैक्सी लग रहा है, नहीं लग रहा है? और भाई इधर टॉयलेट टॉयलेट क्या देखोगे यार और तुम्हारे भाई का समैक्सी सा कैमरा ये रखा हुआ है, आज इसके शॉर्ट्स भी आने वाले हैं भाई। यही इंस्टा 360 है भाई, इसके शॉर्ट्स भी आ जाएंगे। अंदर यार अंधेरा सा हो रहा है, मैंने कहा फिर शक्ल ऐसी काली काली सी दिखती है, अच्छा सा नहीं लगता यार। फिर लड़कियाँ भी तो दिखती है ना लोग, तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए ना। मैं तो अभी मैंने इसको रात चार्जर पर लगाया था, अभी चार्ज हो गया फुल। एंड अभी ज़रा ऊपर चलते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। जैसे भी निकलेंगे आपको रोड छोड़ के यार सारी ब्लॉग मिल जाएगा। बंद कर ले इससे 2 मिनट और कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो पे। सो अभी फटाफट से मिलते हैं होटल के ऑनर से एंड एक दो शॉट्स ले ले यहाँ पे। देखते हैं यार, मेरे को चलाना नहीं आता बट आज फर्स्ट टाइम चलाऊँगा, तो मिलते हैं गाइस। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे यूज़ होता होगा बट जैसा भी हो रहा है यार हो ही रहा है। एंड पता नहीं यार कैसा व्यू आ रहा होगा, एक बार से थोड़ा बहुत सिनेमैटिक ले लेते हैं। एंड आवाज़ यार मैंने सुना है, आवाज़ बहुत प्यारी है इसकी। बाकी देख ही लेंगे, सूरज पड़ रहा है मुंह पे, पूरा काला काला दिख रहा हूँ भाई यार पूरा। तो अभी एक बार शॉर्ट्स ले लेंगे अच्छा सा रूम वूम का और यहाँ पर भी आपको एक बार शॉर्ट्स दिखा दें। सो अभी हम आ गए ऊपर एंड भाई अभी बिल बनने वाला है हमारा देखते हैं भाई कितना बिल बनता है। वैसे मैं बात कर रहा था आपसे भाई, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं सीरियसली। रात हम बहुत लेट आए थे
बट मैंने इनको कॉल किया था तो जगे हुए थे, बाकी तो सब सो गए थे। हिमा तो सो ही गई थी, उसको तो यही नहीं पता कि मैं आया हूँ। तो मैंने सुबह उसको इंस्टा पे मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं आ रखा हूँ यहाँ पे, तब उसको पता चला। बाकी रात पूजा उठी हुई थी और भाई सर्दी भी बहुत, काफी अच्छा मौसम हो रहा है अभी यहाँ का ना। एंड यहाँ पे मौसम ऐसे ही रहता है, अब ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी मई जून के बाद। अच्छा अच्छा भाई, जून के बाद मैंने जैसे आपको बताया था, अभी जो भी घूमने अगर आए इधर तो भाई कपड़े वपड़े लेके आना, मेरी तरह मत आना, मैं सिर्फ टी शर्ट लेके आया हूं। नहीं यार, अभी जैसे अभी तो धूप है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हुड वगैरह लेके नहीं आया। शाम को ठंड से मजा आते हैं भाई। एंड यार ये किस चीज के ट्रीज है, एप्पल के? ये एप्पल के है भाई, एक बार दिखा दूं मैं आपको। ये ना एप्पल के ट्रीज है ये वाले, अभी एप्पल का सीजन नहीं है क्या, लग नहीं रहे अभी? इसमें ना फ्लावरिंग हुई है ना, वो झड़ गए फूल, अब कुछ ही मतलब महीनों बाद, मतलब अभी जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा इसमें एप्पल आना। अच्छा जून जुलाई में, छोटे छोटे एप्पल तो आ ही गए। तो यार अभी एप्पल खाने को नहीं मिलेंगे मैं ना। हाँ अभी नहीं मिलेगा, हम तो सोच रहे हिमाचल के एप्पल खा के। और एक भैया ये है यहाँ पे, कैसे हो भैया? भैया ऑमलेट ब्रेड किसने बनाया था? उस्ताद ने भाई, बहुत अच्छा था। और चाय? अच्छा तो चलो सही है, आपको आती है कुछ बनाना? मेरे को सब कुछ आता है, इंडियन फूड आता है, चाइनीज फूड आता है। तो यार खाना तो तुम्हारे हाथ का था लेकिन तुमने खिलाया नहीं, ये तो गलत बात है। मैं खुद लेट उठी थी। सो भाई कोई नहीं, अभी एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि मतलब होटल्स वगैरह का नेम बताया था, कुफरी में है, फागू है ना, फागू, फागू से पहले है, क्या नाम है होटल का, रेस्टोरेंट का नाम है माउंटेन व्यू, और जो हमारा होम स्टे है उसका नाम, रेस्टोरेंट का नाम है माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट। माउंटेन व्यू के नाम से ही आ जाएगा सब, उसमें ना सीधा सीधा आ रहा था मैप पे। भाई हम भी मैप लगा के आए थे क्योंकि रात का टाइम था, हमें पता नहीं चल रहा था कुछ, मतलब भूल सी गए थे, 4-5 मंथ हो गए हम आए थे। तो माउंटेन व्यू के नाम से है। बाकी आओ, रूम की क्वालिटी आपको दिखा दी मैंने अंदर, आपने देखा होगा कितना प्यारा रूम था। और भाई बहुत ही पूरा वुडन का है ना, वुडन का वो क्या बोलते हैं उसको, चीड का, पाइन, पाइन, पाइन का, उसमें हम पॉलिश करवाया है फिर। अच्छा पॉलिश करवाया, पॉलिश करवाया। अच्छा सर, वैसे मतलब जो ये वुडन का रूम है, पाइन का, मैंने पाइन का काम करवाया उसमें, फिर उसमें पॉलिश करवाया। अच्छा जैसे मतलब हमारे यहाँ पे नहीं होते इस तरह के ना, ये ना मतलब हमारा पहाड़ी कुजीन है, यहाँ मतलब कल्चर है कि इस तरह से। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे तुम्हारा रूम है नीचे, उसमें कितना अमाउंट लग जाता है, मतलब यार इसमें तो बहुत लगा है इसमें, मतलब एक रूम में मैंने लगाया है 7 लाख तो लगी है, 7 या 8 लाख सच में लगे बहुत। भाई 7 लाख रुपए के रूम में लगे, मतलब उसका ऐसा नहीं इंटीरियर, मतलब अच्छा। पूरा उसका स्ट्रक्चर के साथ एक रूम का। भाई नहीं आपने देखा होगा मतलब नीचे से भी और ऊपर से, मैंने को पूरा आपको दिखाया, बहुत ही प्यारा रूम है। बाकी एंड वैसे कपल वगैरह की भी एंट्री है ना यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली कपल, फैमिली कपल कोई प्रॉब्लम, सब आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंडो के साथ जिसको आना हो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। सो भाई ये बहुत अच्छे हैं यार, नेक्स्ट टाइम मेरे को मौका मिला, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम मिला। अरे यार हिमा कहाँ है, हिमा मोटू इधर आओ। तो तुम्हारे व्लॉग्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे? अभी नहीं बन रहे, अभी नहीं बन रहे। भाई मेरे को दोबारा मौका मिला, मतलब मेरे को पता नहीं था, सीरियसली मैं होप ही नहीं की थी कि मैं दोबारा इनसे मिलूंगा या फिर दोबारा शिमला आऊंगा, बट यार मौका मिला तो हम दोबारा आ गए। भाई कैसा लग रहा है मिलके? बहुत अच्छा। और बेटा खुद तो सो रहे थे और बहुत अच्छा, मेरे को इसकी नींद ऐसी है, इसको ना मतलब सोना ज्यादा पसंद है, इसको इसे काम कराया करो, ये काम तो करती ना, जब उठ जाएगी तब काम करेगी अच्छे से। अच्छा। जब सोगी तो कोई भी नहीं कम करेगी नींद ऐसी मेरा। चलो सही है। सो भाई इनका भी YouTube चैनल है यार, सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइस। हिमा नेगी, हाँ मेरा नाम, मेरा YouTube चैनल है पूजा नेगी शर्मा के नाम, पूजा नेगी शर्मा। भाई ये ना अपडेट्स देते रहते हैं, मतलब यहाँ के ना, मतलब अभी मेरा कैमरा क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने थोड़ा पॉज, मैंने भाई इनको सजेस्ट कर दिया है वैसे आईफोन के लिए, तो जल्दी आईफोन ले लेंगे, काफी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। बाकी मैं यार जो भी मेरे से होता है वो मैं बताता रहता हूँ थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको नहीं पता व्लॉगिंग के बारे में या एडिटिंग के या जो भी सेटिंग्स वगैरह होती है। इससे भी हमने शूट कर लिया है, मेरे को नहीं पता कैसी क्लिप आई होगी, बट अगर क्लिप अच्छी आई होगी तो हम जरूर डालेंगे। बाकी इसको जल्दी से यूज करना मैं सीख जाऊंगा, मेरे को भी नहीं आता ना। तो वही चीज़ है। सो अभी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, और यार बहुत दूर जाना है। सो बिल पे करते, वैसे आपको दिखाऊंगा कितने का बिल बनेगा, देखेंगे भाई। चलो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर, कार्ड लेके जाऊँ? वैसे तो भाई इसमें से स्क्रीन शॉट वगैरह जो भी तुम्हें लेना होगा ले लेना, नंबर वंबर सब चीज़ है इसमें। एंड भाई बिल बहुत मोटा वाला बन गया है भाई, क्या बताऊँ, मेरी जेब में उतने पैसे भी नहीं थे, सारे ले लिए, फोन पे करने पड़े मुझे। ये क्यों किया मेरे साथ ऐसा, पहले ये बताओ भाई। इनकी ये जो खड़ी है ना, इनकी दुश्मनी है, पिछले जन्म की है ना, पिछले जन्म की दुश्मनी है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हम तो मेहमान थे ना आपके। अब भाई एक्चुअली ना मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मतलब
सही लिया भाई, मैं अमाउंट देखो बताऊंगा नहीं, मैंने बताया ना हमारी फैमिली वाली मतलब फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। सो बहुत अच्छे रेट से, कोई भी आएगा हमारी साइड से तो मेरा एक बार नाम ले लेना, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मिलेगा नहीं मिलेगा सो जरूर मिलेगा। एंड भाई खाना आशु के राइडर आके नेम ले देना भाई, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो अभी निकलते हैं यहाँ से एंड आपको रास्ते का व्यू दिखाना है यार। ब्लॉग मैं देखता हूँ 2 या 3 पार्ट में मेरे को अपलोड करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है और भाई मेरे को नहीं पता 3-4 दिन में ब्लॉग आएंगे या नहीं, घर जाके वापस मेरे को अपलोड करने पड़ेंगे। सो चलते हैं यार फटाफट से। जबरदस्त व्यू है भाई, और पीछे का भी देखो एक बार, इधर नहर वह चल रही है भाई। मेरे को लोकेशन बहुत प्यारी, मेरे को ना मैंने ना एक्चुअली दूर से ही देख लिया था, मैंने कहा यार यहाँ पे ज़रूर जाना है। पहले तो मेरे को नीचे दिखा, मैंने कहा रिवर के अंदर चलते हैं उधर देखते हैं कहीं पॉसिबल है, बट मेरे को कहीं से पॉसिबल नहीं लग रहा। सो मैंने सोचा यहाँ पे चढ़ के सारे व्यू आ जाएंगे यहाँ पे। अब देख सकते हो व्यू बहुत प्यारे हैं यार, एंड भाई काफ़ी ट्रैवल इधर इतनी भीड़ नहीं है, मतलब जैसे ईद का सीज़न है ना अभी, तो ईद के सीज़न में जैसे मसूरी नैनीताल इधर धनौल्टी वगैरह हो गए बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी जो भी है बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड भाई आप देख ही सकते हो कितने प्यारे 2 सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं गाइस। तो अभी बहुत आगे जाना है यार, हो भाई ऊपर चढ़ के थक गया, बाकी फोटो वोटो शूट कर ले फटाफट से यार। तो सो भाई अभी हम आ गए नारकंडा से आगे, लास्ट टाइम जब हम सर्दियों में आए थे जनवरी में तो नारकंडा तक आए थे, आज नारकंडा से ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं किन्नौर की साइड। मेरे को नहीं पता अभी टाइम लगेगा, बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, अभी रामपुर भी कम से कम 60 किलोमीटर दूर है, तो हमारा प्लान पहले किन्नौर का है, इधर की साइड हम अपना एक्सप्लोर करें, उसके बाद फिर मनाली देखेंगे अगर टाइम बचा तो, बिकॉज़ यार पहाड़ों के भाई साइड में हो जा, और भाई एक बिकॉज़ पहाड़ों के 60 किलोमीटर भी ना प्लेन, जैसे प्लेन में 120 किलोमीटर तो हम आराम से 1 घंटे में या 2 घंटे में कवर कर लें, बट पहाड़ों का 60 किलोमीटर भी ना भाई साहब 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन रोड होता है यार, काफ़ी ट्रैफिक भी होता है। तो कोई बात नहीं, अभी निकल रहे हैं। एक्चुअली एक भाई की अभी थोड़ी हो रही है तबीयत सी डाउन, और ये अपना सारा बैग वैग लगा हुआ है, और अपने पापा की कार है भाई अपनी, भाई बहुत वैसे यार एक बात है, इसने हमेशा साथ दिया भाई, क्या खा रहा है, और ये हमारे आरिफ भाई, और मौसम इतना प्यार, दवाई खा रहा है क्या, और भाई अभी ले रहा है दवाई बिकॉज इसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी। एंड भाई एक बार व्यू देखो एक बार कितना प्यारा, और भाई सबसे बड़ी बात मैंने Insta360 के मतलब Insta360 की बिना वीडियो बनाई है, इस ब्लॉग में आपको मिलेगी, आपने देख ली होगी, वो पहले ही मैं शॉर्ट डाल दूंगा, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है Insta360 भाई, पैसे वसूल कहते हैं ना इसे, पैसे वसूल वो वाला कैमरा है, ज़बरदस्त लगा। और भाई मोटो ब्लॉग तो बहुत सारे आने वाले हैं, सो मैंने सोचा यार ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 मिनट्स का हो गया होगा यार, फिर ज़्यादा अगर बड़ा ब्लॉग बनाओ आप भी बोर होते हो, एंड थोड़ा मैं नहीं चाहता आप बोर हो, सो इसलिए मैंने सोचा मैंने कहा दूसरा व्लॉग हम स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा रामपुर से स्टार्ट कर लेंगे, आगे आपको दिखाएंगे जो जो भी व्यू आएंगे या बीच में कहीं भी रुके सो मैं व्लॉग का कर रहा हूँ। एंड सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, एंड थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।